सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं बोया कंपनी का ओरिजिनल माइक। और आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने इस बारकोड को क्यों हाइड करके रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको रिटर्न करने वाला हूं एंड मैं इसको क्यों रिटर्न करूंगा वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। वैसे तो इस कंपनी के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को पहचानने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ एक ही रास्ता बताऊंगा। बहुत आसानी से आप ये जो है स्टेप बाय स्टेप देख कर ही कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंपली आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पे या फिर आपके मोबाइल पे जो कोई भी ब्राउज़र हो, सिंपली आप उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है बोया। बोया लिख के आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मैं डेस्कटॉप साइट को ऑफ़ कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोया का ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज को लोड होने दो। अब देख सकते हैं कि बोया कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर ओपन हो चुका है। अब हमको लेफ्ट कॉर्नर पे एकदम ऊपर की तरफ यहां पर थ्री लाइंस बना हुआ है, इसमें हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो यहां पर आप डायरेक्ट सिक्योरिटी नंबर पर क्लिक मत करना, क्योंकि उससे पहले हमको यहां पर अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद ही आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो यहां पर राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है, सिंपली हम यहां पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास पहले से ही जो है अकाउंट है बोया कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आपने पहले से ही जो है अकाउंट बनाया हुआ था, तो फिर आप साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं और आपका अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। या फिर अगर आप नए हैं तो साइन अप पर क्लिक करके यहाँ पर आपका सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पर दे देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक अकाउंट बना के रखा था, इसलिए मैं यहाँ पर अपना जो है पासवर्ड दे देता हूँ। और यहाँ पर दाई तरफ जो कोड बना हुआ है, इसको सिंपली यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है रियाज हुसैन। तो अब यहाँ पर मेरा जो है अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सपोर्ट पे क्लिक करना है। अब आपको सिक्योरिटी नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर योर सिक्योरिटी कोड। तो ये कौन सा कोड है, आपने जो माइक ख़रीदा है उसके फ्रंट में एक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोड बना हुआ है। ये देख सकते हैं क्यूआर कोड यहाँ पर है, और क्यूआर कोड के ठीक नीचे ही यहाँ पर एक कोड इन्होंने दिया हुआ है 13 डिजिट का। तो सिंपली आपको वही वाला कोड यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फुल्ली इस कोड को फिल कर दिया है, और इसको मैंने ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि मैं इसको रिटर्न करूँगा, और क्यों रिटर्न करूँगा ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर साइट पे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स आ चुका है, यानी कि प्रोडक्ट असली है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। और देख सकते हैं उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है वेरीफाइड टाइम्स 4, यानी कि इस प्रोडक्ट को 4 बार वेरीफाई किया हुआ है, यानी कि मैंने इससे पहले एक बार यहाँ पर वेरीफाई आके किया था जब मैंने ख़रीदा था, और अब एक बार कर रहा हूँ, यानी कि 2 बार। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो ये एकदम मतलब अनयूज्ड प्रोडक्ट रहता, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यानी कि इससे पहले भी 2 कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आके वेरीफाई किया था, यानी कि ये प्रोडक्ट यूज्ड है। तो इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को रिटर्न करने वाला हूं, और शायद आपको पता चल गया होगा कि मैं इसको क्यों रिटर्न करूंगा। तो ऐसे ही आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो बोया कंपनी का माइक है वो ऑथेंटिक है, यानी कि रियल है या फिर फेक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताना, और वीडियो अगर हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए